सभी दर्शकों को सोनी के 25 साल पूरे होने पे बहुत बहुत बधाई, और अर्चना जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपके भी 24.5 साल हो गए सोनी के साथ। 6 महीने इसलिए कम है क्योंकि इनको सोनी का ऑफिस ढूंढने में 6 महीने लग गए। सोनी के 25 साल पूरे होने के साथ साथ इन्होंने भी अपना घर, गाड़ी, बंगलो कई कई बार पूरे कर लिए। हम लोग जब कॉमेडी सर्कस करते थे, सारे चंदन, भारती, किकू भाई, कृष्णा, शमोना, हमें लगता था कि हम लोग बड़े टैलेंटेड हैं। बाद में पता चला टैलेंटेड कोई और ही निकला। दूसरों को नंबर दे दे के अपने बैंक के नंबर बढ़ाती रही। वाह, आप पहली लेडी हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि हंसने से सिर्फ खून ही नहीं बढ़ता, पैसे भी बढ़ते हैं। अच्छा, सोनी ने 25 सालों में एक से एक बढ़के शो दिए हैं, चाहे CID ले लो आप, बाहर जैसे जासूसी में शर्लॉक होम्स बड़ा फेमस है, यहाँ पे CID वाले। अच्छा, शर्लॉक को कुछ पता करना था ना किसी जहर वहर का, तो उस पाउडर को ले जाके हजारों एक्सपेरिमेंट होते थे लैब में। हमारे CID वाले इतना टाइम नहीं वेस्ट करते, डॉक्टर सालुंके ना वो जीप पे रखता था, ये तो जहर है। अच्छा, CID वालों ने जितने साल CID किया है, असल में भी जो CID में नौकरी करते हैं ना, वो भी इतने साल नहीं करते, वो 58 में वो भी रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, किस केस के कितने एपिसोड बनेंगे ये ACB प्रद्युमन डिसाइड करते थे। अच्छा, मान लो अगर कातिल पकड़ा भी गया, और ACB प्रद्युमन अभी बोल रहे हैं ना कि दया कुछ तो गड़बड़ है, दया समझ जाता था इसके 2 एपिसोड और बनेंगे। अच्छा, CID में सबसे मजेदार बात क्या होती थी, जो चीज हमें साफ दिख रही है फिर भी बोलते थे इसकी पीठ पे गोली लगी है, लगता है कातिल ने पीछे से गोली चलाई होगी। आदमी कहते नहीं सर, सामने से चलाई थी, गोली घूम के लगी है। अच्छा, जैसे हमारे आर्टिस्ट सबकी अलग अलग लाइन होती है, उसमें एक लाइन सारे आर्टिस्ट बोल देते थे, अगर किसी की मौत जहर से हुई ना, तो पहले ACB प्रद्युमन शुरू करेंगे, दया ये मौत जहर से हुई है। दूसरा कहता था मुझे भी लगता है सर, होना हो ये जहर ही है। तीसरा भी बोलता था हाँ सर, मुंह से झाग निकल रही है, होना हो ये जहर ही हो सकता है। चौथा फिर बोलता था होठों का रंग देख के भी लग रहा है कि जहर से हुई मौत, कई बार तो लाश खड़ी हुई थी, हाँ जहर से ही हुई है मौत। लेकिन आपका मन है तो गोली मार दो दोबारा और केस आगे बढ़ाओ। क्राइम पेट्रोल बड़ा हिट रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आप जैसी चीजें देखते हो ना, दिमाग वैसा ही चलने लगता है। हाउसवाइफ जो होती हैं वो तो बहुत देखती हैं क्राइम पेट्रोल। अच्छा, ऐसे में अगर आदमी अपनी बीवी के बर्थडे पे केक और गिफ्ट ले जाए ना, उसको देख के खुश नहीं होती, केक के साथ जो चाकू है ना उस पे शक कर रही होती। क्योंकि इनके दिमाग में वही चल रहा होता ना, केक खिला के मारा पत्नी को, तो फिर जब ये केक काटती है ना, तो पहला पीस खुद नहीं खाती, पति को खिलाती है, प्यार में नहीं खिलाती, चेक करती है कि खिलाने के बाद वेट करती 5 मिनट खड़ा है अभी भी, हाँ तो फिर दूसरा खाती है, क्योंकि दिमाग में बैठ जाता है। मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने बहुत देखा क्राइम पेट्रोल। मैंने अपनी माँ को छोड़ के बाकी सारे रिश्तेदारों पे शक किया है। इतनी मेंटालिटी ऐसी हो गई थी। सोनी टीवी पे एक और हिट सीरियल आता था आहट, ये बड़ा डरावना होता था और रात को आता था और लोग देखते भी लाइट बंद करके थे। इसमें ज्यादातर एपिसोड ऐसे होते थे जिसमें अचानक एक खूबसूरत औरत अपने 2 बड़े दांत निकाल लेती। अच्छा, उसी वक्त अगर बीवी मेकअप धो के बाथरूम से बाहर आए, आदमी की चीखें निकल जाती थी। आपको बताइए, आपने आहट भी किया हुआ है। हमें सब मालूम है। अच्छा, हॉरर एपिसोड की शुरुआत भी ये रोमांस से करते थे कि एक बंदा हनीमून पे आया हुआ लड़की के साथ, थोड़ी देर बाद दिखाते थे कि लड़की बाथरूम से बाहर आई, उसके पैरों के निशान ना जो उल्टे होते थे, ओह गॉड, हाँ, उसके बाद वहीं फ्रीज कर देते थे कि आगे चल के देखिए क्या होगा। और आदमी इतना डरा होता था ना, वो रात को चादर उठा उठा के अपनी बीवी के पैर देख रहा होता था कि टेढ़े तो नहीं हो गए ये। TRP की बड़ी जंग चल रही है। अच्छा, मान लो किसी चैनल में हॉरर शो चल रहा है और उनकी ज्यादा रेटिंग आ गई, तो दूसरे चैनल वाले सास बहू वाले में चुड़ैल डाल देंगे। और चुड़ैल भी ऐसे लेके आएंगे ना वाली। अच्छा, ऐसे में जो सीनियर आर्टिस्ट काम कर रहे होते हैं ना सास बहू सीरियल में, जो बेचारे रात 9 बजे थक जाते हैं, उनका भी चुड़ैल को देख के आंखें डबल खुल जाती हैं। है भाई, 2 सीन इसके साथ करवा लो, उसके बाद गोली मरवा दो चाहे। अरे सरकारी चैनल, वो तो आज भी पूरी फिल्म एक साथ नहीं दिखाते, ये फिल्म को बीच में रोक के कोई और ही प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। अब देखिए कृषि दर्शन, बाकी फिल्म अगले हफ्ते। अच्छा, जिस बंदे ने टिप टिप बरसा पानी देखा होता है, उसके सामने एकदम से कृषि दर्शन आ जाए ना, ऐसे लोगों के बच्चे फिर शकरकंदी जैसे होते हैं।
क्योंकि मिक्स हो गया ना सारा कुछ। शकरकंदी शकरकंदी अच्छा 25 सालों में कितना कुछ बदल गया, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन पहले नए नए टीवी आते थे ना जो, तो टीवी उठ के जाके चैनल बदलना पड़ता था आपको, और कभी कभी तो नॉब टूट जाती थी, तो टीवी के ऊपर ही प्लास रखा होता था, उसको लेके कट 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 करके बदलते थे। कि दिनेश नहीं, अपना दिनेश के दादा थोड़ा एडवांस थे, पैसे थे तो थोड़ा एडवांस टीवी ले आए, वो जो बटन दबाने वाला नहीं, दूसरा घुमाना नहीं पड़ता था, वो ले आए। तो किसी ने पूछा कि आजकल तो रिमोट वाले भी आ गए, रिमोट नहीं अपने पास? उन्होंने चारपाई से नीचे 10 फीट लंबी लठ निकाली, कहता है कि नहीं, ये देख मेरा रिमोट, और वहीं से चैनल चेंज कर रहे हैं। और कई बार तो हाथ कांपते थे, तो कई बार जो आदमी न्यूज पढ़ रहा था ना, उसका चश्मा हिला देते थे ये। वो भी न्यूज पढ़ते पढ़ते कहते हैं माफ कीजिएगा भारत के प्रधानमंत्री, चाचा क्या कर रहे हैं। पहले के न्यूज एंकर ना समाचार बताते थे और चले जाते थे, खबरें समाप्त हुई, धन्यवाद, काम खत्म, अपना चेक लो, घर जाओ। वो ऑडियंस से कोई सवाल नहीं करते थे। आजकल के न्यूज एंकर ना ऑडियंस से लड़ने लगते हैं। देश की फसलों पर हो रहा है टिड्डियों का हमला, देश में 40 लाख टिड्डियां घुस आई हैं, कौन रोकेगा इन टिड्डियों को? कब तक आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? बोलिए है कोई जवाब, कुछ करेंगे या नहीं? 40 लाख टिड्डियां। एक चाचा मुझसे पूछ रहे थे, बेटा बात सुन, 40 लाख ये गिन कैसे लेते हैं? 100-200 ऊपर हुई तो अच्छा, उस समय टीवी सिग्नल के लिए एंटीना हुआ करते थे ना, एंटीना हिल जाए तो पिक्चर खराब हो जाती थी। हाँ। तो माँ बाप कई बार बच्चों को भेजते, जा बेटा पिक्चर साफ नहीं आ रही, घुमा जाके साफ होगी तो बुला लेंगे। हाँ। बच्चे को ऊपर भेज के ना अपना चित्रहार शुरू कर देते थे, कभी कोई बच्चा नीचे आता था फिर वापस एंटीना ठीक करने चला जाता था, क्योंकि वो सोचता था ये मोगली के बीच में चित्रहार कैसे चल गया। अच्छा बड़े शहरों के जो कपल होते ना ये इसलिए हंस रही है क्योंकि इसने बड़ी बार एंटीना ठीक किया है। नहीं नहीं, ये तो घर में सबसे छोटी, बड़ी वाली ने एंटीना ठीक किया होगा। अच्छा बड़े शहरों के जो कपल होते हैं ना, उनकी शादी को 25 साल हो जाए 40 हो जाए, वो उनमें थ्रिल रहता है थोड़ा, क्योंकि जिम जाते हैं, फिट रहते हैं। गांव खेड़ों में आप चले जाओ, 25 साल बाद मियां बीवी दोनों एक दूसरे से पक जाते हैं। दूर से देखो पहले तो पता नहीं चलता मियां कौन सा बीवी कौन सी, एक दूसरे की सलवार पहन के घूम रहे होते हैं, उस समय कोई उनको लेना देना नहीं। एक बार पांडे के दादाजी अखबार देख के पढ़ रहे थे, ये देखो खबर आई है 25 साल पुरानी बीवी बदल रहे हैं नए फीचर्स के साथ। इसकी दादी ने देखा, तेरा पेरा करक चश्मा लगा के देख, बीवी नहीं टीवी बदल रहे हो, धोती तो तेरे से बदली ना जावे, कमबख्त बुढ़े मारे कहीं के बीवी बदलेगा। फिर दादी इसकी गुस्से में अपनी बीड़ी दादा की पीठ पे बुझा के गई। वैसे टीवी और बीवी होते ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, टीवी के पास भी सारी खबरें होती हैं, बीवी के पास भी सारी खबरें होती हैं, जरूरी छोड़ के। टीवी का स्विच ऑन करना पड़ता है, बीवी का अपने आप शुरू हो जाती है। अच्छा टीवी चले तो साथ में आप बोल भी सकते हो, बीवी बोले तो चुपचाप सुनते रहो। टीवी बिगड़ जाए तो वारंटी में कंपनी वाले ठीक करके जाते हैं, बीवी बिगड़ जाए ससुराल वाले कोई गारंटी नहीं लेते। अच्छा टीवी पुराना हो जाए उसे आप एक्सचेंज भी कर सकते हो। और भरत सर ये क्या बुलवा रहे हो आप मुझसे? ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये है ये शातिर लोग, इनकी खुद की शादियों को 20-20 साल हो गए, मेरी को अभी 1.5 हुआ है, तुड़वाने जा रहे हैं। बताऊं आपकी बीवी को, डायरेक्टर साहब कौन आई थी अभी आपसे मिलने, वो इतनी शर्ट पहन के, कहते एडिट कर रहा हूं चैनल, इट्स योर ड्यूटी प्लीज टेक केयर, ये लाइन नहीं कटनी चाहिए। अच्छा दिनेश तेरे से मैं बड़ा तंग हूं, क्यों? कि नए नए कलर टीवी आए ना, दुकानदार को जाके बोल जाए, कहता भाई साहब एक बात बताइए, ये जो कलर टीवी है इसके रंग तो नहीं छूटेंगे? वो कहते क्या मतलब? कहते नहीं, इनके हम लोग गीले कपड़े साफ करें तो रंग बिखर तो नहीं जाएंगे, है कोई बात करने वाली? ये अपना पांडे है हमारा, चश्मा लगा के तो ऐसे बैठे जैसे इन्हें ड्रम की पीएचडी की है। ये योगा चैनल का बड़ा शौकीन है, एक दिन इसकी बीवी ने पूछ लिया, कहती साल भर से योगा देख रहे हो कितनी कमर कम हुई? ये बोला 28। 28? हाँ, बोलती 38 की पेंट तो तेरे को घुसती नहीं है, घर से 4 ड्रम लेके जाता है, बजाता 3 ही है। क्योंकि ये जो
आगे वाला ड्रम उस पर तूने पेट रखा होता है तो तेरी 28 कमर कहां से होगी? कितना मेरी नहीं है शिल्पा की। बीवी ने फिर फीते की जगह जूते से नापा इसको, 46 जूतों में पूरा आया ये। सोनी पे एक और सुपर डुपर हिट शो आता है, कौन बनेगा करोड़पति। ये दिनेश चला गया सोनी साहब के ऑफिस, कहता सर जी एक बात पूछनी थी। ये जो मतलब बच्चन साहब पहला सवाल पूछते हैं तो उसमें तो देते हैं 1000 रुपया और 16वें सवाल पे 7 करोड़, तो मैं अगर सीधा 16वें का जवाब दूं तो सारे पैसे मिलेंगे। उन्होंने फिर इसको 4 ऑप्शन दिए, कहते घर जाके पढ़ लेना, जो भी गाली अच्छी लगे तुम्हारी। अच्छा सोनी पे एक और सुपर डुपर हिट शो आता है, अच्छा, जिसके कलाकार आज यहाँ पे मौजूद है, इनके लिए जोरदार तालियां। सोनी को 25 साल हुए हैं, शुमोना 22, तो इसको भी यहाँ पे हो गए। ये लगती नहीं है, ये उम्र कम करने वाला आटा खाती है। अच्छा। हाँ, इसके पास एक आटा है उसमें कुछ मिक्स करती है, उम्र बढ़ती नहीं उससे। शुमोना क्या कहना चाहोगे आज सोनी के 25 साल हो गए, कब जा रही हो छोड़ के? नहीं आज वैसे कैसा लग रहा है, आज बिना काम के पैसे हैं, अर्चना जी की लीग में आ गई आज। ओह क्या कह शिवना, कुछ दो शब्द हो जाएं प्यार मोहब्बत के। यू आर लुकिंग वेरी हॉट बेबी। थैंक यू कपिल, थैंक यू सो मच, क्या बात है, पहली बार 8 साल में ऑन स्क्रीन आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, थैंक यू। बालियां तो अपने मुंह से भी बड़ी पहनी आज तुमने। एंगेजमेंट तुम्हारी हुई नहीं, रिंग कितनी इतनी 4-5 क्यों पहनी हुई है? इट्स फैशन कपिल। अच्छा तो ये तभी करके आती हो जिस दिन मतलब कोई काम नहीं होता, वैसे क्यों नहीं ऐसे बन के आती ऐसे? मैं बन जाऊं, हमारे जो डायरेक्टर साहब है हमें मुझे बना दे, देखो मुझे। सोनी साहब प्लीज टेक केयर ऑफ द डायरेक्टर। अच्छा कृष्णा, इनके लिए जोरदार तालियां। इन्होंने सोनी के साथ पहले भी कई शोज किए हैं, बीच में ये भटक गए थे। काफी साल लग गए इनको सही जगह आने में, पहले ये आ नहीं रहा था। कृष्णा बोलता यार मैं लड़की बनके कैसा लगूंगा। मैंने कहा यार अर्चना जी को देख, सुंदर नहीं लगती, तभी ये माना। कृष्णा वुड यू लाइक टू से समथिंग? 12 साल से सोनी हमारी मम्मी रही हैं, हमें पाला पोसा है, भगवान करे ऐसे ही 50वें साल मनाते रहे, यही बैठे रहे, और मतलब इस इमोशन के पीछे पैसा बहुत है। हमारे कीकू जी, इनके लिए जोरदार तालियां। देश की आजादी के लिए तो बड़े लोग जेल गए, लेकिन कॉमेडी करने के चक्कर में हमारा पहला आर्टिस्ट है जो जेल गया है। कीकू जी आप क्या कहना चाहेंगे चंद शब्द? यही कि ऐसा रेवोल्यूशनरी काम अभी कुछ दिनों पहले वापस एक किया मैंने। अच्छा। तो कोविड में पैसे कम हो रहे हैं और रेवोल्यूशन ये जरा ज्यादा हो रहा है, तो ठीक है अब देखते हैं आगे क्या। भारती के लिए जोरदार तालियां। इसने कसम खाई है क्या? कि 25 साल में मैंने जो मिस किया मैंने 2 साल में पूरा करना है, कंप्लीट करना। इतने शो पकड़े हुए, एक तो ये वाला शो, दूसरा इंडियाज बेस्ट डांसर डिजिटल, अलग वेब सीरीज में अलग कर रही है, इंस्टाग्राम पे भी अपना अलग शो चलाती है, एक शो में तो अपने पति को भी लेके आ गई। भारती एक बात बताओ, हर्ष आपके पति देव इतने ही टैलेंटेड हैं तो पहले क्यों नहीं आप उनको टीवी पे लेके आई? नहीं नहीं टैलेंटेड नहीं है कुछ। अच्छा वहां पे तो तुम्हारे साथ रहता है हर्ष, यहाँ पे तो तुम अकेली हो ना, वहां पे क्यों नहीं आई? इधर कोल्ड ड्रिंक डाल के कौन गया है? अच्छा तो मास्क पहन के वो भी आसपास ही घूम रहा है। बिल्कुल। चंदन के लिए जोरदार तालियां। अच्छा एक यही है जिसने कॉमेडी सर्कस नहीं किया? हाँ। एक दो एपिसोड किए, एक दो एपिसोड किए। हाँ, एक कॉम्पिटिशन से बाहर है, ऊपर है। कहता कौन? कहता कौन इतनी मेहनत करके 5 नंबर ले? चंदन मेरा बचपन का यार है। हाँ। चलो बचपन में हमें पता नहीं होता। चंदन जी आप पूरे शो में आप शुमोना के पीछे पड़े रहते हैं, डू यू रियली लाइक हर? आज 25 साल पूरे हैं, सिल्वर जुबली है सोनी की, बता दो आज जो भी मन में है। नहीं नहीं एज ए को एक्टर ठीक है। एज ए को एक्टर यस। अच्छा वैसे आपके मन में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं वैसे मन में तो
तो मुझे क्यों कह रहे थे कि मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती? पच्चीस साल पूरे हुए चंदन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा बस थैंक यू सो मच। मैं आज अभी तो यार बोल रहे हो चंदू, सारे ना ऐसे करके बैठ जाते हैं क्या बोले। मैं बस थैंक यू कहना चाहूंगा और कुछ नहीं कहना। लव यू चंदू, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हमारे सारे धुरंधरों के लिए। बैक स्टेज टीम है, हमारा क्रू है, जो हमारी क्रिएटिव टीम है, हमारे राइटर्स हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कोई भी शो आप जब देखते हो उसमें आप ऑन स्क्रीन कलाकारों को देखते हो जो हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो हमारी टीम जो है ये यहाँ पे है, और मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा इस खूबसूरत शो के लिए, इस खूबसूरत सफर के लिए। थैंक यू अर्चना जी। आज शाम को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे कलाकार को जिसका मैं ही नहीं पूरी दुनिया फैन है और सोनी के साथ इनका भी बहुत पुराना रिश्ता है। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड सिंगर मिस्टर सलमान अली। हाय सलमान। सलमान आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत मुबारक होने के 25 साल हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड आप सभी को भी बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया सलमान। सलमान एक बात बताओ, इतना पॉपुलर हो गए आप, मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, कभी आप अमेरिका शोज करने जा रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है जब इतनी हजारों में पब्लिक आपका शो देखने आती है, तो क्या मतलब क्या चेंज आया लाइफ में? बहुत बहुत अच्छा लगता है भैया, क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे से गाँव से हूँ और कितना छोटा सा है छोटा सा गाँव है। कहाँ कहाँ है गाँव? मेवात हरियाणा। अच्छा। So, मेरा जो गांव है वो पुनाना है। तो उसके बाद जब इतनी बड़ी लाइफ देखते हैं तो बहुत खुशी होती है, और मैं दिल से जितना सोनी का शुक्रगुजार करूं उतना ही कम है, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूं सिर्फ सोनी की वजह से हूं। अच्छा सलमान एक बात बताओ कि जैसे पहले आपके गांव में जब आप गाना वाना गाते थे तो सब आपको अप्रिशिएट करते थे कि अच्छा अच्छा तो आप शुरू से ही गाते हैं जी, पर लेकिन आपको मतलब इंडियन आइडल के विनर बनने पे, इतना पॉपुलर होने पे, फिर उनके बिहेवियर में कोई चेंज आया आपके गांव वालों के? हाँ बहुत आया। वैसे भी वैसे तो लोग बहुत प्यार करते थे पहले भी। हाँ। मगर जब अब क्या करते, चुमिया भी लेते इंसान जो कलाकार होता है वो बस प्यार का ही भूखा रहता है, तो वो ऑलरेडी आशीर्वाद लोगों से मिलता है। गॉड ब्लेस यू सलमान। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच आप हमारे शो पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी बेस्ट विशेस आपके लिए। आप ऐसे ही अपना नाम जो है, अपने घर वालों का नाम, अपने देश का नाम रोशन करते रहे। थैंक यू सो मच। अर्चना जी पार्टी अभी बाकी है, मैं आ रही हूँ। नहीं आप कहाँ से आ रहे हो पार्टी में? तुम लोग नहीं जा रहे? नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो चेंज करने जा रहे हैं ना पार्टी के साथ। आप तो एक ड्रेस में निकाल ही लेती हूँ पांच छह पार्टियां, तो हम लोग चेंज करके आए। अच्छा जाइएगा मत, हमें जाओगे तो आपका घाटा सिद्धू जी आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, चलो साथियों वो हो चलो। अरे क्या कर रहे हो? Welcome to the 25th anniversary of Sony TV. आज की शाम कुछ खास होगी, जिसमें लगेगा मनोरंजन का तड़का, सिंगिंग की जमेगी महफिल और डांस का होगा धमाल, क्योंकि सोनी ने पूरे किए हैं 25 साल। Happy birthday सोनी साहब। मैं मुबारक हो बहुत बहुत अर्चना जी आपको, सोनी को 25 साल पूरे हो गए, जवान हो गया सोनी, अब कोई अच्छा सा फीमेल चैनल देख के शादी कर लो। ओ माय गॉड नेहा कक्कड़। नहीं मैं नेहा कक्कड़ नहीं हूँ। मलाइका अरोड़ा? नहीं मैं मलाइका भी नहीं हूँ। अच्छा ना तुम नेहा कक्कड़ ना तुम मलाइका अरोड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोनी की पार्टी में आने की? मैं सोनी की पार्टी की होस्ट हूँ। अच्छा मतलब तुम्हारा खुद का शो कुछ खास नहीं चल रहा?
एनीवेज आई वुड लाइक टू नो यू कि मैं तुम्हारा कोस्ट बनूंगा बिकॉज आई लाइक यू. ये क्या बात हुई, आई लाइक यू ओके कोहोस बना लो. अरे तो फिर आई लव यू बोल के हस्बैंड बना लो. एक सेकंड, आप शादीशुदा है ना? वो तो दिल्ली में, मुंबई में मेरी कोई वाइफ नहीं है. मुंबई में आई एम बैचलर. यार देखो मैं यहाँ पे एक शो होस्ट करने आई. देखो शो वो मिलते रहेंगे, ऐसा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा मैं बता रहा हूँ. यार कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरे पिताजी की तरह है. तो अपनी माताजी का नंबर दे दो. शर्म नहीं आती आपको? मेरे को आती थी, मैंने शर्म करनी बंद कर दी है. कोई फायदा नहीं है, थोड़े भी शर्म हो जाओ समाज में थोड़ी थू था होती है लेकिन काम बन जाता है. आई बिलीव इन रिजल्ट. देखिए मैं बता देती हूँ आपको साफ साफ. साफ साफ नहीं, कुछ गंदा गंदा बताओ. साफ तो हम बोलते रहते हैं, साफ सुन के हमने क्या करना है. देखिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, तो यार आप मुझे तंग मत कीजिए ना यार. बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे तो फिर तुम निकलो. पता क्यों, कहीं देख के नर्वस ना हो जाओ तुम. मैं वो लड़कियों में से नहीं हूँ जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देख के डर जाओ. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. यही बात अगर तुमने कॉन्फिडेंस से बोली होती ना तो तुम किसी और शो में भी काम कर रही होती. मुझे ना शोज की कमी नहीं है, आई एम जस्ट वेरी चूजी. हाय तुम चूजी, मैं चूजा. चलो कुकड़ू कुकड़ू करे. आई लाइक योर फेस. बड़ा छोटा सा पोर्टेबल सा मुंह है आपका. पोर्टेबल कितना मजा है, छोटी छोटी मूछे आ जाए तो मजा आ जाए. वैसे इतनी रात गई, ये क्या शोर मचा के रखा है आप लोगों ने? सॉरी सर, एक्चुअली सोनी के 25 साल हो गए ना, तो उसी की पार्टी चल रही है. पार्टी? जी. इस शुभ अवसर पर हम और आप मिलकर खेलेंगे केबीसी. सर 25 साल की पार्टी, आप केबीसी क्यों खिला रहे हैं? देवी जी, हम केबीसी खेले हैं तभी जाके सोनी के 25 साल पूरे हुए. सोनी साहब, जिंदगी में सिर्फ दो चीजों का ख्याल रखिएगा. पहली, शादी में कभी जल्दबाजी मत कीजिएगा, और दूसरी, जल्दबाजी में कभी शादी मत कीजिएगा. मुझे आपकी दो बातें बड़ी अच्छी लगती हैं. एक तो आप बातें बड़ी अच्छी करते हो. अच्छा. दूसरा, आप अच्छी बड़ी बातें करते हो. मेरे को बड़ा पसंद है. तो आप हमारी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं? आप भी तो किसी की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं. अरे आप तो कैसी बातें कर रहे हैं. बचपन सर, आप बताइए आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? चाय कॉफी, इतना लंबा आदमी है उसे ऊपर ऊपर गुब्बारे लगवाओ जो हमसे नहीं लग रहे, वो काम कराओ. इतने बड़े तो ये था आपका हास्य विनोद. परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन. नहीं आज ये? आज ये वाला मूड नहीं आज. परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वगैरह ये कम नहीं. आप कुछ ऐसी बात करो, बी माई फ्रेंड, ताकि कल को मैं बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लिखूं तो मैं उसमें आपका नाम डाल सकूं. ये आपकी ऐसे लिखने की उम्र है? तो मैं वैसे लिख देता हूं. एक बात बहुत कमल भाई साहब, आप बहुत फनी है यार, बहुत फनी है. सुना आपने? ओ आहे, तो मैं रिश्ता पक्का समझू. क्या फायदा हुआ आपका फनी होके, इतने फनी होके भी आप दो दिन आते शो में, ये सीरियस होके 5 दिन आते शो में. और सुनो मेरी बात, सीरियस वो इसलिए है क्योंकि आज क्या पार्टी वार्टी अभी जो शुरू हुई है, अभी होनी बाकी है. कौन मंगा रहा था बोतल? किसे चाहिए थी? मैं लाया हूँ बोतल. बोतल कह रहा था कोई, कौन था? किसे चाहिए बोतल? बोतल 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 बोतल. मैं लाया हूँ यार. पहले हम पापड़ बेचते थे, तुम बोतल बोतल दूध की बोतल ले आया. तू सोनी की पार्टी में आया कि सोनी के मुंडन में आया? Excuse me, वो हमारे गेस्ट है. वेलकम फनी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, मैं बहुत खुश हूँ. सामूहिक रूप जैसे दिखने वाले इंसान, आप यहाँ सोनी की पार्टी पे क्या कर रहे हैं? सोनी की पार्टी में मैं नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा? सोनी और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है. कैसा रिश्ता? सोनी के साथ मैंने फिल्म की थी, सोनी महिवाल. और इस रिश्ते पे जरा सा भी शक किया तो लो एक पिघला के मैं उसका आकार बदल देता हूँ. सर 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 प्लीज गुस्सा मत होइए, जस्ट चिल चिल. सगीना, सकीना, सकीना तुम यहाँ पर ऐसे अचानक मिल जाओगी, मैंने सोचा नहीं था. सर मैं सकीना नहीं हूँ, मैं इस पार्टी की होस्ट हूँ. ये कैसे हो सकता है?
मैंने तो सुना है एक जवान लड़का जवान लड़की कभी होश नहीं होते। अरे नहीं, वो दोस्त नहीं होते। ओ, दोस्त नहीं होते। अच्छा अच्छा, जो मामा का लड़का होता है, मामा की लड़की भाई बहन हो सकते हैं ना? या चाचा का लड़का चाची की लड़की, वो भाई बहन हो सकते हैं? नहीं, जस्ट आस्किंग ऐसे। अरे यार, मैं रिश्ते बनाने नहीं आई हूँ। देवी जी, हमारी इंडस्ट्री में रिश्ते बनाने से ही काम मिलता है। सर वो आपको मिलता है, हमें तो मेहनत करनी पड़ती है। हमारे सीनियर मिमिक्री आर्टिस्ट का मजाक उड़ाती है। इसी बात पे मैं तुम्हें एक किस देता हूँ, देखो आई कि नहीं आई। ऐसी शक्ल रख के आप फ्लर्ट कर लेते, काफी बड़ी बात है ये। आपको मालूम है ये जो प्रजाति है, ये एक महीने में एक ही बार पानी पी लेती है। ऐसा ऊंट करते हैं? तो अगर आप ऊंट हैं तो आप पक्का पटांग होंगे। ऊंट पटांग है। कैसा लगा हमारा हाथ? What a great party! Hi, 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 hi. Excuse me. Yes. कौन है आप? Myself is Chandu. Sorry, Mr. Chandu. Mr. Chandu. आपका नाम मेरे guest list में तो नहीं है। इसका नाम तो birth list में भी नहीं था। लेकिन हुआ नहीं पैदा। धक्का नाम की भी कुछ चीज होती है। देखो मैं guest हूँ ही नहीं। मैं तो इधर permanent हूँ। एक मिनट रुक जाइए। गेस्ट लिस्ट को आप जरा ठीक से चेक कीजिए। हाँ। लिखा होगा कपिल का दोस्त। हाँ। तुम भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट चेक कराओ किसी को, उधर भी लिखा होगा इतना चौड़ा आदमी। और आपकी ये बात फनी होती तो मैं करके बहुत हंसता। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है, आपकी ये बात फनी नहीं निकली। वैसे अभी मुझे जाना पड़ेगा। हा? मुझे लघु शंका हुई है। oh, मैं जरा जाता हूँ। नदिया भागू करो बाबा, नदिया ए हट जाइए। वेल हाँ लड़की। हाँ, I'm talking to you. आज शाम को क्या कर रही हैं आप? शाम को मैं फ्री हूँ। ओह वाओ, सेम यार, मैं भी फ्री हूँ। तो चलो शाम को हम थोड़ा थोड़ा कहीं कुछ काम मांगते हैं। ओए उमराव जान की खाला, ये झुमके कितने के दिए? गजरे वगैरह। This is my party वाला ड्रेस। अच्छा, ये पार्टी वाला ड्रेस है? यहाँ पर कोई चंदा भाई का मुजरा होने वाला है तो आप गजरा लेकर आए? बताइए। देखो मुझे नेचुरल खुशबू पसंद है, इसलिए पहने मैंने गजरे। तो फिर बगल में अगरबत्ती लगा के आ जाता, नेचुरल खुशबू पसंद है तेरे को? देखो इसका जवाब तो है मेरे पास, लेकिन मैंने देना नहीं है, देना नहीं है। इसका जवाब मैंने आपको सोनी टीवी के 50 साल पूरे होने वाली पार्टी पे दूंगा। सोनी को 25 साल की खुशी है, लेकिन तुम्हारी वजह से 25 साल का पछतावा है। पछतावा। और आप क्या कर रही हैं? आपकी वजह से सोनी को मन मुटावा है, घटावा है, चिंतावा है। और आपकी वजह से क्या है फिर? ओए, ये सोने की पार्टी चल रही है, रेलवे स्टेशन पे आया तू? चल भट, स्टार्टअप दिखा मुझे। हेलो जी। इतना गंदा पकौड़ा तेरा, लगता है पहले भी किसने चूसा है। ऐसे कौन खाता है इतने छोटे छोटे समोसे? हट। एक्सक्यूज मी अरोड़ा साहब, ये हमारी कैटरिंग है, और ये समोसे नहीं, ये पनीर के पकौड़े हैं। कहाँ है ये पनीर, ये तो बेसन है। अरे अरोड़ा साहब, बेसन ऊपर होता है, पनीर अंदर होता है। हाँ। यही तुम लोग मार खाते हो, रॉन्ग मार्केटिंग। जो महंगी चीज है उसको अंदर लगा दिया, और सस्ती चीज को बाहर लगा दिया। और बेवकूफो, पनीर बाहर लगाओ, बेसन अंदर लगाओ। अरोड़ा साहब, पकौड़े ऐसे ही बनते हैं। वाह, पकौड़े का सब पता है कि कैसे बनते हैं। हाँ। लेकिन आर्टिस्ट का पता नहीं। वाह वाह, यहाँ भी किसी में से अगर बच्चन साहब और जग्गू दादा निकाल देना तो हाँ। पीछे फिर कुछ ही एपिसोड बचते हैं। ओ सर जी, छोड़ो इसको, आप पकौड़े ट्राई करो जी। ओ, तू सारे पकौड़े मेरे को क्यों खिला रहा है? ओहो मोतियां वाली सरकार, हमको पता है जी किसे पकौड़े खिला के अपना फायदा होना है। अच्छा सुनो मेरी बात, फायदा चाहिए तो वो लेके आओ। सुबह के 6 बजे चाय, चाय, चाय। सोनी की पार्टी बोल लेके आओ, वो जिसके लिए वो सोडा बड़ा इस्तेमाल होता है। अच्छा, गैस की गोली। ओह गॉड, तू पकौड़े बेच, चल दबा ले।
कुछ तो गड़बड़ है। ओह माय गॉड, कुछ तो गड़बड़ है। कैसे भी प्रतिमन जी, ओह माय गॉड, तुम कौन हो? मैं इस पार्टी की होस्ट हूँ। तो जरूर डेफिनेटली गड़बड़ है। फिर तो गड़बड़ ही गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। दया, दया कहाँ है? दया ही है आप पे सोनी टीवी की, तभी आपको एसीपी बनाया है, वरना आपको तो कोई कांस्टेबल भी ना बनाए। अरे कौन है बंदा जिसका माथा गर्दन तक जा रहा है? जरा तो हाथ ही जरा अपने कंट्रोल पे नहीं, यहाँ से रुकता तो यहाँ शुरू हो जाता है, यहाँ से कहीं और न चले जाए। मैं सीआईडी से एसीपी, एसीपी। अच्छा, मैं एसीपी से सीआईडी। कुछ तो गड़बड़ है दया, इस पार्टी में गड़बड़ है। इस पार्टी में नहीं, हर पार्टी में गड़बड़ है, इसलिए मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करता। पार्टी 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 ऐसी होती है, पार्टी पार्टी ऐसी होती है, मुझे बताइए पार्टी क्या ऐसी होती है, ये होती है पार्टी। और मुझे बताइए ये पार्टी है, इससे बेहतर तो मेरे बिल्डिंग का एनुअल फंक्शन होता है। बहुत ही बेकार की पार्टी है ये, वो ड्रम्स जो है ना तुम्हारे पास, फोड़ दो उन्हें, और वो गिटार को निकाल के फेंक दो। आज तो बजाना ही नहीं है कोई म्यूजिक, गिटार क्यों लेकर बैठे हो गले में? देखो सगीना, क्या नहीं हो पाएगा इन लोगों से, नहीं हो पाएगा सगीना, जो कुछ है अब यही करना है। पार्टी, वाह वाह वाह, क्या जोड़ी है कद्दू और हरी मिर्ची की। कल धनिया की कमी थी, वो भी फ्री में आ गया। Shut up! You boiled my mood! है? अरे spoil my mood होता है। मेरा boil हो रहा है। और मैं fresh air लेने जा रहा हूँ। You wanna join? Get out. एक तो तुम्हारी यही बात है ना, मुझे दीवाना बना रही है। See you baby. Guys, आज story के 25 साल complete हुए। कुछ तो अच्छी बात कीजिए ना। I'd like to say, दोस्त, मैंने सोनी के बारे में इतना कुछ कहना चाहता हूँ। I'm very emotional. अच्छा। मुझे आज भी याद है कि 2 1 2, 2 2 4। अरे भाई साहब, ये पाड़ा वाड़ा छुड़ी वो सुनाइए जो आप सुना रहे थे वो। हाँ, मुझे आज भी याद है। बजाइए। पहली लाइन मेरे को भूल गई। मुझे आज भी याद है, आज से 25 साल पहले सोनी जब इतना सा हुआ करता था, छोटा सा सोनी, जेब में सूर्यवंशम और 2-3 चूरन की एड लेके पंजाब से मुंबई आया था। एक मिनट भाई साहब, भाई साहब, जरूरी नहीं है कि पंजाब से ही यहाँ आकर आदमी सेट होते हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ से, बगल से, अंधेरी से भी यहाँ पर आकर सेट हो चुके हैं। अंधेरी से? ये तो काफी लंबी जर्नी बता दिया आपने। देखा देखा, मैंने कहा था ना, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, आपका ये देख के मुझे ऐसे कुछ लग रहा है कि आपसे ये कुछ जबरदस्ती करवा रहा है, आपका मन नहीं है। तो आप वो करो जो आपका मन है। मेरे को पता आप आवाजें बड़ी अच्छी निकालते हो। आवाजें निकालो। माँ का, बाप का, दादा का, सबका गड़बड़ करता ही है। मैं 15 मिनट तक गड़बड़ कर सकता। मैं माँ का, बाप का, दादा का, अरे नाना का भी गड़बड़ हो सकता है। हाँ, ये देख, ये दादा का गड़बड़ है, ये नाना का। बता बता, कौन सा दादा का है, कौन सा नाना का? अरे बता। हम बता देते, तूने गड़बड़ सारी मिक्स कर दी। ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इसने मुझे चिट्ठी लिखी थी कि मेरी ये वाली आइटम बीच में कुछ सेड़ देना। 300 रुपया दिया इसने। और आपने वो पैसे ले भी लिए? देखो, मैं पहले रिश्वत नहीं लेता था, लेकिन जब से सोनी ने 10% काटना शुरू किया है, मैंने लेना शुरू कर दिया है। चलिए भाई साहब, हमारे जाने का वक्त आ गया है, हम चलते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको सोनी के 25 साल की। थैंक यू। अरे सर सर सर, रुकिए रुकिए रुकिए। बिना केक काटे हुए मैं आपको जाने नहीं दे सकती हूँ। ये आवाज हुई, एक केक नहीं कटेगा तो क्या 55 साहब अपने घर नहीं जाएंगे? नहीं। देखिए, ये लड़की हमें रिक्वेस्ट कर रही है। तो आप इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? फेसबुक की रिक्वेस्ट नहीं भेजी है इन्होंने? तो फेसबुक पे क्यों नहीं भेज रहे हो रिक्वेस्ट? अरे केक काटने की रिक्वेस्ट की है इन्होंने। काटो ना।
काटो, जो काटना है काटो और खिला दो बलभद्राय के कुत्तों को। आप मुझे जानते नहीं है, गुस्सा आ गया तो लोहे को पिघला कर उसका आकार बदल दूंगा। वो तो मेरे को पता नहीं भाई साहब, लेकिन आपका पेट पिघल के जरूर आकार बदल रहा है। इसको रोक लो, इसकी फ्रॉक बन जाएगी। कोई नहीं, आ जाओ। ओह माय गॉड, भगवान यहाँ पे तो केक ही नहीं है, केक गुम हो गया। जैसा तुम कर रही हो तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे, वो भी गुम हो गए समझो। केक गुम हुआ, चिल्लाओ। ये क्या बात हुई, एक केक नहीं कटेगा तो क्या सोनी 25 साल का होगा ही नहीं क्या? तो पकोड़े काट लो, पकोड़े। क्या आदमी है ये, अपने पकोड़े कटवाने आ गया। ओए चल निकल यहाँ से। हाँ आज मेरे सोनी को 25 साल होने से कोई केक पेस्ट्री नहीं रोक सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। हम केक लेकर आएंगे और लेके आएंगे, मैं जा रहा हूँ। ओए यहाँ मैं कहीं ड्रिंक एंड ड्राइव केस में अंदर ना हो जाऊँ। बात तो सही है, थोड़ा तुम भी आ जाओ, मर जाओ तुम। तुम मुझे घर छोड़ दोगे? बिल्कुल। तुम्हारे पास गाड़ी है? गाड़ी तो बहुत है, लेकिन जिसकी आवाज सुनी ही थी कि तुम्हें, उस गाड़ी में तुम बैठ जाना। मतलब फिर आइटम। चलो ठीक है, चलो अभी। सुनाओ कौन सी गाड़ी है? सर सर ये मेरी साइकिल जो है, मेरे पिताजी की है सर, एक बार इस साइकिल पे बैठो ना सर, प्लीज सर बैठो। यार ये गाड़ी बड़ी स्लो है। अरे तो कोई बात नहीं, काका की फटपटी पे बैठ जाओ। अरे ए बामसाय, अरे बैठ जाओ रे, अरे बैठो रे। ये इसमें बड़े चक्कर आएंगे, ये घूमी जा रही है, घूमी जा रही है। और कुछ दिखाओ बड़े में कुछ, मतलब कोई बड़ी गाड़ी वगैरह। मेरे पास बड़े में ट्रक है। अच्छा रुक जाओ, ये तो मेरे पापा का ट्रक है। मेरे पापा निकले गड्डी लेके, एक मोड़ आया, वो उत्ते गड्डी छोड़ आए और वो गड्डी तुम लेकर आ गए, तुमको शर्म नहीं आती है? और सुनिए भाई साहब, इस तरह किसी की मिमिक्री करना अच्छी बात नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कभी भी किसी की मिमिक्री नहीं करनी चाहिए, मैं भी नहीं करता हूँ। ओए बंद करो, ये क्या फालतू का मजाक लगा रखा है? हाँ बिल्कुल बंद करो भाई, इतनी सारी आवाजें सुन के एक ही आवाज निकाल सकने वाला आदमी जेलस हो गया। सुनो ये जो आप गाड़ियों की आवाजें निकाल रहे हो, मेरे को लगता है टाइम पे पहुंच पाऊंगा। मैं 11:20 की बाई चप्पल निकल जाता हूँ। चप्पल की आवाज आती है। मैं जमुना भाई हूँ। ये चप्पल की बात, चलो निकालो फिर, यही निकालो। और बंद कर, मुझे सारे ऐसे ही जाना पड़ेगा। बेबी सॉरी भाई साहब, आपको थोड़ी कहा, आप तो बेबा है। ऐसा कहो ना बेबी, ये कैसा अरेंजमेंट है तुम्हारा? मैंने सोनी से तुम्हारी शिकायत करनी है। सर आप नाराज मत होइए ना, ये सारे मेरे गेस्ट हैं, आप प्लीज दफा हो जाइए प्लीज। ओह माय गॉड, माइंड ब्लोइंग यार, सोनी ने इतनी बड़ी पार्टी कैसे दे दी? उनका तो सारा पैसा मैंने लूट लिया है। फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सोनी इतनी बड़ी पार्टी दे सकता है। ओह माय गॉड, पास आ रही है तो ना। ओह बचपन सा, हाय 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 हाय, मेरे पास पेपर स्प्रे है, मेरे पास बताना भाई। अरे कौन सा पेपर स्प्रे, क्या डराई जा रहे हो? नाइस। इसका टेस्ट जरा भी अच्छा नहीं था, नेक्स्ट टाइम कोई और फ्लेवर रखिएगा। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये गुरुकुल के तीन स्तंभ हैं। वो तीनों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये तीनों टेस्टी तो है ना। कोई बात नहीं, टेस्टी नए भी होंगे तो मैं उसमें सॉस डाल के खा लूंगा। ओहो मैम, लाफ चल रहा है यार, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, आप हमारी कैटरिंग के पकौड़े खाइए, इतने टेस्टी कि आप अपनी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी लाइए।
ये क्या कर रही हैं आप? आप ही ने तो कहा था उंगलियां चाट के दे दोगे। आपने अपनी उंगलियां चाटनी है। मैंने क्यों नहीं बोला? ओ मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, आपका जो दिल करे ना वो करो, लेकिन ना मेरे को कोई ट्रिक, कोई तिकड़म बता दो जिससे मैं आपकी तरह इस शो में टिक जाऊं। पटे पनीर की चगल वाले आदमी अगर दर्जन फेफड़े भी अपने अंदर लगा लेगा ना, तब भी मेरी तरह हंस नहीं पाएगा, समझे क्या? आए बड़े, मैं यहाँ पर पहुंची हूँ अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना हार्ड वर्किंग, अपनी अनुष्ठा, अपने अनुशासन। दिखाई ऐसी अदा, हीर ने दिखाई ऐसी अदा के रांझे को भागी। वाह, हीर ने दिखाई ऐसी अदा के रांझे को भागी। क्या बात है, ये मट वाली आंटी मरी कुर्सी खा गई। मैं पता क्या, मैं रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। ये जहां पर मेरा रोना निकला है ना, मेरा ये काट देना। मैं रोते रोते मेरी आवाज भी बच्चे जैसी हो जाती है। मैं ओए, हाँ जी, कौन था जो ईमानदारी की बात कर रहा था यहाँ पे? ये कौन था? ये कौन आया ईमानदारी से? नहीं, कौन ये कौन आया ईमानदारी से? मैंने कब कहा? नहीं, कैसे आई यहाँ तक ईमानदारी से? यहाँ तक कैसे आई बता मेरे को? मैं कैसे आई? मैंने कब ईमानदारी की बात की? मैंने कब की बात? मेरे को मारना मत। देखो मैं पहले ही तुम मेरी कुर्सी खा गई, अब आता भाई करोगी तो मैं फिर रो देना इधर। ना 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 ना, नहीं सिर से रोना नहीं, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, आपने नहीं कहा कि मैं यहाँ तक ईमानदारी से पहुंची हूँ? कैसी ईमानदारी, मैं तो शुरू से बेईमान हूँ। मैंने तो अपनी माँ के साथ भी बेईमानी की थी, मैंने बोला 25 कहूंगी, मैं 28 कहूंगी। ओह माय गॉड, एक मिनट, मेरा तो लूटना ही काम है। मेरा चाकू किधर है? ओह लगता मेरे अड्डे पे रह गया होगा। मुंबई आए हो? अच्छा, मुंबई आए हो तो जरूर खाना यहाँ का वड़ा पाव। क्या बात है, 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 बात है। मैं शेरपुरा करने बीच में एक क्या क्या किया, मैंने तेरे थप्पड़ मार रहा। ठीक है, मुंबई आए हो तो जरूर खाना यहाँ का वड़ा पाव। हाँ जी भाई, सामान पैक करो, निकल रही है मट को जाने वाली आखिरी नाव। चलो चलो, क्या बात है सिद्धू साहब, क्या शेर मारा है। मैंने हाथ भी मार देना मुंह पे। देखो हाँ जी, मैं किसी गाड़ी में नहीं आया। अच्छा, मैं बहुत गुस्से में आया हूँ। okay. और इतना गुस्सा अभी भी चढ़ा हुआ, मैं कोलंबो तक जा सकता हूँ। oh. भाई भाई, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ. चूहू तक। ओए ये है कौन, चपाटी जैसे मुंह वाला? एक मिनट सिद्धू जी, जाने दीजिए ना, वो वेटर है। वेटर, वेटर यानी मेहनती आदमी। ओ मैं मेहनती आदमी की बड़ी कदर करता हूँ। मेहनती आदमी है खड़ा, ये नहीं कि जाके किसी की कुर्सी बैठ गए। सिद्धू साहब, सिद्धू साहब, मेरी बात तो सुनिए। ओए मेरी तू बात सुन। अच्छा, मेरी सलवार पर ही तू बकवास नहीं करनी। देखो गुरु, मेरे सपने टूटे जरूर है। हाँ जी, मेरे सपने टूटे जरूर है, लेकिन मैं बनूंगा। वाह, क्या बनूंगा? मेरे सपने टूटे जरूर है। हाँ जी, लेकिन मैं बनूंगा। मेरे इतना भी बुरा दिन नहीं आए कि मैं तेरी सुनूंगा। सिद्धू जी, गुस्सा छोड़िए ना। वाह, कुर्सी भी मैं ही छोड़ूंगा, गुस्सा भी मैं ही छोड़ूंगा। कल को कहेगी मुझे पीठ पे बिठा के मर तक छोड़ दो। वाह, मैं नहीं छोड़ने वाला भाई। ओ शेरी, कम ऑन यार, कम सीट ना, बात करते हैं बैठ के। ओ तुम तो वहां बैठ जाओगी, मैं कहां बैठूं? नहीं, ईमानदारी वाली बात पता क्यों कही थी?
पता मैंने तेरे ये जो जगह छोड़ी मैंने काट देना इधर। नहीं नहीं भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये जो आप हुड़दंग मचा रहे हैं, क्या ये जो आप हुड़दंग मचा रहे हैं, बहुत ही हुड़दंग या मतलब ये बहुत ही अशस्वनीय है, अद्भुत नहीं है, अनन्य है, अनन्य है, अनन्य है। देखो बचपन साहब, मैं कभी आपके केबीसी में घुसा, उस दिन आप सवाल पूछ रहे थे भी गुलाब के रंग कौन सा रहता है, मेरे को पता है कि हरे रंग का होता है, मैं बोला, आपने भी मेरी बात के बीच में नहीं बोलना। मैं कह रहा सिद्धू साहब इतना तो गुस्सा आपको तब नहीं आ रहा जब आप जीरो पे आउट हो गए थे। सिद्धू साहब मेरी बात सुनिए, आज खुशी का मौका, सोनी को 25 साल हो गए हैं। तो तेरी वजह से हुए और 25 साल हुए होंगे तुम लोगों के लिए, मेरे हुए 22 and a half, 2.5 साल तो मेरे ये औरत खा गई, और मेरे को बड़ा रोना आ रहा है। और सुनो इधर आओ बच्चू, इधर कौन है तू जो इतना मेकअप करके खूबसूरत होने का नाटक कर रही है? हाय सर, मैं यहाँ की पार्टी की होस्ट हूँ। हाथ पीछे कर। अच्छा पार्टी की होस्ट हो तुम? हाँ सर। भाग के जाओ बाहर, ऑटो वाला खड़ा है, उसको किराया दे गया, जा मेरा पुत्र शाबाश। सर पर मेरे पास 500 रुपए छुट्टी नहीं है। वो 500 का छुट्टा देना भी नहीं है, उसको 13 लाख रुपया देना है। 13 लाख रुपए ऑटो का किराया? मैं 2 साल से उसी ऑटो में घूम रहा हूँ। देखो ये बातें बदल के मेरा गुस्सा शांत करने की कोशिश ना करो, मेरे को गुस्सा बड़ा चढ़ा हुआ है, मैं कह रहा हूँ। पहले हमें लग रहा था कि रात ज्यादा हो गई है, लेकिन अब लगता है कि इनको ज्यादा हो गई है। सिद्धू साहब आज इतना बड़ा दिन है। कितना बड़ा? 50 घंटे का दिन है। कितना बड़ा दिन है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब खुशी का मौका है। बताइए मैं आपके लिए क्या बना कर लेता हूँ? एक अच्छा सा मुंह बना के ला, ये वाला मेरे को नहीं है ऑप्शन। खैर सिद्धू साहब ये बताइए क्या खाएंगे आप? वो पारी बरसी करन गया सी, आहा खटक ले आंदे कोड़े, कोड़े पारी बरसी खटन गया सी, खटक ले आंदे कोड़े, भाई सिद्धू दा ढिड तां भरदा जे कोई लेके आवे ब्रोकली दे पकौड़े। खागे भाई खागे। एक मिनट, ब्रोकली के पकौड़े, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा आप पिटली सी बातें कर सकते हैं तो हम अपना पकौड़ा मतलब नहीं कर सकते? देखिए हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, लेकिन मैं जहाँ खड़ा होता हूँ लाइन पता नहीं खराब ही हो जाती है, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार। और मैं लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता हूँ, पर उससे मेरा क्या लेना देना? अरे कुछ मत करो, लेकिन कम से कम मुझसे बातें तो करो। कब से खड़ा हूँ इतनी ठंड पे स्लीवलेस पहना हुआ, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है। एक मिनट सिद्धू जी, आप ये गुस्सा छोड़िए ना। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी शहरी, कभी मुझे अपने घर बुलाओ ना। मेरी कुर्सी पहले खा गई थी, अब मेरे घर का फर्नीचर खा गई। ओह सिद्धू जी, ये कुर्सी कुर्सी छोड़िए ना, मैं तो आपके साथ सावन के झूले झूलना चाहती हूँ। She's drunk. She's drunk. Save me. She's drunk. अभी तुमने हफ किया तो मेरे को स्मेल आई है। ये प्यार नहीं है, यार जबरदस्ती है, बंद कर। सिद्धू जी गुस्सा थूक दीजिए, मेरे लिए भी कोई गाना गाइए ना। मैं गाना गाऊं तेरे लिए? ले सुन फिर, ओए गणपत, ओ चल दारू ला, ओ थोड़ा कपड़ा वाला टेबल पे मारना यार, ओ थोड़ा चल, ओ तू मेरी कुर्सी वुर्सी छोड़ के भज जाना यार, ओए गणपत, ओए ओ हो गया खत्म, हो गया। नो नो बंद करो, ये तुम क्या नाच रही हो? अब सारा भी रोमांटिक नहीं है सिद्धू जी। मैं होता हूँ जिसके साथ मुझे होना होता। मैं हर जगह मैं नहीं होता। कहा था कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ओए ओए देसी पी, मेरे पास नहीं आना। क्यों? देसी पी नहीं, एसीपी जैसी बीपी। मेरे पास नहीं आना, मैं वरना सच में गड़बड़ हो जाएगी। अरे वाह जी, कमाल करते वाह जी, चंद्रमुख बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। ये वाली मिमिक्री करके एक बंदा अपना घर चला रहा है और आपसे देखा नहीं जा रहा है। आई, 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 ये हम आज हमारा है, हमारा है, आई, आई। अरे वाह, अरे बाबूजी जिस मुंह से आपने मिमिक्री की है ना, वो बात हमको याद नहीं, यहाँ लग गया बाबूजी। चलूंगे। वाह भाई वाह वाह वाह, मैं क्या मजा आ गया अभी, गोविंदा की आवाज और उत्पल दत्त का मुंह, क्या बात है। बस 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 बस,
एक ऐसा मिमिक्री का सियासी खेल खेल रहे हैं आप लोग। ये देखिए बोल कौन रहा है। ये जो आप बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? ओ यार, अगर आप लोगों ने अपनी ये हरकतें ना छोड़ी तो सोने वालों ने अपनी 26वीं सालगिरह में हम में से किसी को नहीं बुलाना। बुलाएंगे। इतनी देर से हम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन अभी तक केक नहीं आई है। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि कोई केक लाएगा। सर, डोंट वरी, केक मंगा लिया है। सर, डोंट वरी, मैंने केक मंगा लिया। आएंगे। आ रहा है सर, बस रास्ते में। ओह माय गॉड, देखिए सर आपका केक आ गया। हाँ, केक आ गया। हाँ भाई, केक काटो फिर मैं भी निकलूँ। आओ चलो केक काटो। कुर्सी वाला केक। ओह माय गॉड, सर ये तो कुर्सी वाला केक है, इसमें मैं बैठूंगी। तू खा के देख। कुर्सी वाला केक। और कितना? ओह चार। आज बैठ के देख तू। ये केक मैं खाऊंगा। मेरी बात सुनो, ओए पकड़ इसको। ये कुर्सी मेरी थी, मेरी रहेगी। ये मेरी है, ये मैं खाऊंगा। पाजी पकोड़े खा लो। ये अपना पकोड़ा अपने मुंह में डाल। जब देखो पकोड़ा पकोड़ा। बहुत सुनो मेरी बात। देखो केक का यार, देखो मैं तेरे को बता रहा हूँ एक बात। मेरे साथ बहस नहीं करनी। कैसे दे दिया? ये तो जो वो मेरा था वो। तू आ पीछे, तेरे को मैं बता रहा हूँ। मेरा केक कैसे ले गए तुमने? मुझे कुर्सी मिल गई है। बात कर ले, हमें तो केक खाने दीजिए। रुको, अरे तो मिल जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.